आली जनाब मोहम्मद अरफात रज़ा साहब इस्माइली, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने खलीफे गुलजार मिलत ग्रुप पर हमें याद किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने पूछा है कि सुले कुल्ली के साथ पार्टनर में बिजनेस करना कैसा है। जनाब आली, सुले कुल्ली के साथ हर तरह का ताल्लुक जो है जायज़ नहीं किसी भी तरीके का। सुले कुल्ली का हुक्म वही है जो बदमज़हबों का है, जबकि वो यकीनन सुलह कुल्ली हो जो शरई तौर पर जिस पर इतलाक इसका किया जाता हो। उमूमन ऐसे शख्स को भी सुलह कुल्ली कहा जाता जो उनसे मिलता जुलता है और मगर उन्हें काफिर जानता है, उनसे रिश्ते को हराम समझता है और उन्हें मुसलमान समझने को कुफ्र समझता है, मगर उनसे मिलता जुलता है अपनी नफ्स ख्वाहिश की पैरवी में और जो है दुनियावी लालचों में। मगर यह है कि उस पर तो गुमराही का हुक्म अगर होगा, ज़्यादा ज़्यादा उसके ऊपर गुमराही का हुक्म लग सकता है, वो काफिर नहीं। लेकिन सुलह कुल्ली हकीकत में उसे कहते हैं जो सारे फ़िरक़े बातिला को सही समझता हो, यानी वहाबियों को भी सही समझता हो और अहले सुन्नत वल जमात को भी सही, बद मज़हबों बद अकीदों को भी सही समझता हो। तो बिलाशुबा सुलह कुल्ली अगर ऐसा है तो उसका हुक्म तो वहाबिया दयाबना से भी ज़्यादा सख्त है और इन लोगों के साथ किसी भी तरीके का, चाहे वो गुमराह हों या बदमज़हब हों या काफिर व मुर्तद हों, सुलह कुल्लियों के साथ किसी भी तरीके का राबता ताल्लुक रखना नाजायज़ व हराम है। अगर जायज़ समझ कर करेगा तो उसके ऊपर तौबा तरीन ईमान लाजिम आएगा, और अगर नाजायज़ व हराम समझ कर करता है तो ऐसी सूरत में वो सख्त गुनहगार है, उसे अपनी इस अमल से लौटना चाहिए और रब की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। हादमा इंदी वल्लाह।